हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जेक्ट फिजिक्स कक्षा 12 और टॉपिक है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाली वीडियो में आपने टॉपिक पढ़ा था समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये टॉपिक कुछ उसके जैसा ही है। आज वाला जो टॉपिक है सेम टू सेम समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जैसा ही है। देखिए क्या होगा इसमें कि चूंकि ये चालक गोला है तो आपको पता है कि चालक वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो सारा आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है और ये स्वाभाविक भी है, ये होना भी चाहिए ऐसे। उसका कारण देखिए क्यों होता है। आपने इस वस्तु को, ये चालक गोला लिया, इस चालक गोले को आवेशित किया, मान लो आपने इसको यहाँ पे आवेशित किया, तो चालक गोले पे आवेश जो है ना, वो आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात आवेश चालक गोले पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। ठीक है, क्या आवेश, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी। तो क्या होगा कि इसमें एक चीज़ और होती है कि आवेश और आवेश, आपने इसको धनावेशित किया तो प्लस और प्लस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। किसका बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल के कारण आवेश जहाँ तक संभव हो सके उतनी दूर जाने का प्रयास करता है। एक धनावेश दूसरे धनावेश से दूर जाएगा, और कहाँ तक दूर जा सकता है? जहाँ तक उसके लिए पॉसिबल है। पॉसिबल कहाँ तक हो सकता है कि ये आवेश आखिर में आके यहाँ पे रुक जाएगा, ये आवेश भी यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये भी यहाँ पे रुक जाएगा, ये इधर आके रुक जाएगा, ये इधर आके, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। सतह से बाहर तो नहीं जा सकते, ये सारे के सारे आवेश कहाँ जमा हो जाएंगे? आखिरी में इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा और ये सारे आवेश जमा हो जाएंगे इसकी सतह पर, बाहरी पृष्ठ पर, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। अब इससे बाहर ये नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि जब किसी चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो सारा आवेश कहाँ आ जाता है? उस गोले की, उसकी वस्तु की बाहरी परिसीमा पर, इसकी बाहरी परिसीमा पर यह आवेश जमा हो जाएगा और अंदर आवेश नहीं रहेगा। अंदर आवेश का मान जीरो हो जाएगा, उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन भी है, ठीक है ना, उसका ये मुख्य रीजन है। समझ आया आपको? किसी चालक वस्तु पर आवेश का मान, आवेश जो है वो अंदर क्यों नहीं रहता? दूसरी बात एक और देखिए, अगर और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होता है। अब आप इस चीज़ को समझिए, विद्युत क्षेत्र शून्य होना भी चाहिए, उसका भी एक रीजन मैं आपको देता हूँ। अगर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा तो इसके अंदर जो आवेश आपने माना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते, धनावेश तो चलो बाहर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, परिधि में है। तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, F = QE, क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई है तो F = E × E, इतना बल लगेगा। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे। इलेक्ट्रॉनों में गति उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन में गति। और जब इलेक्ट्रॉन में गति उत्पन्न होती है तो गति के कारण क्या उत्पन्न होगी? धारा। गति के कारण धारा उत्पन्न होगी, इसका मतलब चालक पदार्थ में अपने आप ही धारा उत्पन्न होने लग जाएगी। कि आपने किसी चालक वस्तु को रखा हुआ है, उसको किसी बैटरी से, किसी धारा स्रोत से नहीं जोड़ रखा, फिर भी उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता ना। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत गति करके कहाँ पहुँच जाएंगे? तुरंत गति करके नैनो सेकेंड में, कितने में? नैनो सेकेंड्स में ये गति करके इसकी परिधि पर पहुंच जाते हैं और स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। स्थिर विद्युत आवेश गतिशील नहीं होता है तो धारा भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि स्थिर विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी स्थिर अवस्था में माना जाएगा, तो धारा उत्पन्न होने का कोई चांस ही नहीं है।
कुछ क्षणिक के लिए जब इसको आवेशित करते हैं तो क्षणिक मान के लिए, क्षणिक समय के लिए ये आवेश नैनो सेकंड के लिए धारा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसके बाद ये परिधि पर जमा हो जाते हैं, बाद में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं होता है। समझ आया? ओके। अब चूंकि ये जो चालक गोला है, ये चालक गोला है, अब ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये सेम उसी प्रकार से बिहेव कर रहा है कि जैसे गोलीय कोष है। गोलीय कोष पर भी आवेश बाहरी पृष्ठ पर होता है, लास्ट वाली वीडियो में देखा था आपने, और इस पर भी आवेश कहाँ है? बाहरी पृष्ठ पर ही। तो इसके चालक गोले के कारण बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वही होगा जो अचालक गोले के लिए आया था, है ना। जब बिंदु पी बाहर स्थित है, जब बिंदु पी बाहर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था बच्चों? के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैं इस पे आवेश का मान क्यू लेता हूँ और इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू बाय एस मान लेता हूँ। उस स्थिति में देखिए, जब बिंदु पी इसके केंद्र ओ से बाहर है, आर दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र का मान वैसे ही होगा जैसे कि ये पूरा आवेश इसके केंद्र पर रखा हो। अगर मैं आवेश को यहाँ रख दूँ तो इस आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये गोला भी ऐसे ही ट्रीट करता है, ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि इसका सारा आवेश परिधि पर ना हो पे कहाँ पे रखा हुआ माना जाए? केंद्र पर माना जाए। ठीक है, ओके। और इसको मैंने ऐसे भी लिखा था, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा केस क्या करवाया था? जब पी परिधि पर हो या सतह पर हो, परिधि पर स्थित है, जब बिंदु पी परिधि पर स्थित है तो स्मॉल आर का मान आप क्या लिख लेंगे? कैपिटल आर लिख लेंगे। ओके, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर लिखने से ये जो समीकरण है, ये तो आपका ई आउट है, ये ई सरफेस है, ई सरफेस की वैल्यू हो जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर से आर कट जाता है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तीसरा केस मैंने करवाया था कि जब पी अंदर स्थित है, जब पी अंदर स्थित है तो उस केस में स्मॉल आर का मान लेस देन कैपिटल आर, और अंदर इसका जो कुल आवेश जो माना जाएगा ना, अंदर जो आवेश होता है, अंदर मान लो आपने बिंदु पी यहाँ मान लिया तो ये गाउसीय पृष्ठ बना। इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश का मान कितना है? जीरो। या ये ना मान के चलो तो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? जीरो। विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होने के कारण फ्लक्स का फॉर्मूला आता है फाई बराबर ई डॉट डी एस, जो कि गाउस के नियम के बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र जीरो तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र भी जीरो। या आप ये ले सकते हो सिग्मा क्यू का मान जीरो, सिग्मा क्यू जीरो तो ई जीरो। तो ये दोनों ही केसेस में इसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ई बराबर जीरो, ई इन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सेम बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका सेम बनेगा। आप इस तरह से ये दूरी आर लीजिए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लीजिए, ये इसका केंद्र ओ है, यहाँ एक गोला बना दिया मैंने, ये गोला है चालक गोला। ओके, इस चालक गोले के कारण, थोड़ा और देखिए इसको सही से, यस ओके ठीक है। तो आपने देखा कि गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो गोले के अंदर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा। ये है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये है r ग्रेटर देन कैपिटल R, और ये r लेस देन R है। यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र शून्य है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की कुछ वैल्यू हो जाती है, मान लो कि विद्युत क्षेत्र ये आया इसके बराबर। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आया आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे बाहर जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह का ग्राफ मैंने तैयार किया था, समझ आ गया आपको? तो इस वाले टॉपिक में आपको सेम वही डेरिवेशन यूज करना है जो आपने समरूप आवेशित गोलीय कोष के लिए किया है। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको, लेके चलता हूँ अगला टॉपिक इसके बाद। ओके, ये आपका अगला टॉपिक है, टॉपिक देखिए,
समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोला है, अचालक है और समान रूप से आवेशित है। चूंकि अब ये अचालक गोला है तो आपके माइंड में ये बात तो क्लियर हो गई कि इस गोले पे आवेश केंद्र से लेके सतह तक हर जगह पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आवेश का, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो हो या आवेश का मान जीरो, वो तो चालक के लिए होता है, चालक के लिए होता है। अब हम इसमें ये मान के चलेंगे कि माना कि आपके पास ये गोला है, ये एक गोला है, इसका केंद्र है ओ, ओके, इसके केंद्र ओ से और परिधि की जो दूरी मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने कैपिटल आर मान ली है, और ये अचालक गोला है, तो अचालक गोला है तो इसका मतलब इस पे आवेश हर जगह उपलब्ध है, केंद्र से लेके अंदर परिधि तक हर स्थान पर इस पे आवेश है। इस तरह से ये एक अचालक गोला हमने बना लिया है, ओके, चलिए हो गया। अब इस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वही तीन बिंदु बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। मान लेता हूं कि माना गोले पे जो कुल आवेश है, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर व कुल आवेश, गोले पे कुल आवेश क्यू है, ठीक है। अच्छा, अब आवेश इसके क्षेत्रफल तो, क्षेत्रफल पे तो नहीं फैला ना, आवेश कहाँ फैला है, आयतन पे फैल गया, इसके अंदर, गोले के अंदर से लेके परिधि तक, अंदर से लेके ऐसे हर जगह, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह आवेश फैला हुआ है। मतलब कि किस में फैला है, गोले के आयतन में, तो गोले के आयतन में फैला है तो मैं मानूँ, माना गोले का आयतन, गोले का आयतन कैपिटल वी है, गोले का आयतन कैपिटल वी है, तो आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो से लिखेंगे, रो बराबर क्यू बाय वी, क्यू बाय वी, गोले का आयतन क्या होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, ये रो की वैल्यू हो गई, काम आएगी आगे। यहाँ से आप आवेश की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या क्यू बराबर रो इंटू 3/4 और पाई नीचे आ जाएगा, पाई आर क्यू। क्या आएगा, क्यू बराबर भाई ये है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्यू बराबर आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी ये आवेश की वैल्यू हो गया आपकी, ठीक है, ओके। रो का मतलब क्या है, इकाई आयतन के लिए आवेश का मान, और कुल आयतन पे आवेश का मान हो जाएगा इकाई आयतन पर आवेश गुणा कुल आयतन, ठीक। अच्छा जी, तो पहला केस लेता हूं मैं, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, गोले के बाहर स्थित है, मतलब कि स्मॉल r ग्रेटर देन है कैपिटल R से, तो आप क्या करेंगे, इस गोले पे, मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूं, ये बिंदु P लेता हूं बाहर, और इसके चारों ओर एक गाउसिय पृष्ठ बना लेंगे, यही करेंगे आप, इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का ये गाउसिय पृष्ठ बना लेंगे। अब इस गाउसिय पृष्ठ के अंदर, स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसिय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, अंदर आवेश तो यही है, कितना, क्यू, तो गोलीय पृष्ठ के अंदर आवेश का मान क्यू है, और मान लिया यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई। इस पे मैं एक अल्पांश लेके चलूं जिसका क्षेत्रफल ds है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी किधर होगी, इसकी दिशा में ही होगी, तो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स का मान E.ds,
और पूरे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा भाई, इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण यहाँ पे निकाला विद्युत क्षेत्र, तो पूरे गोले के क्षेत्रफल के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आएगा समाकलन S, ठीक है, ये फ्लक्स का मान होगा पूरे गोले के कारण फ्लक्स का मान, इसके ds का ds का ds का ds का ds 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 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल निकलेगा, बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है गाउस के नियम से q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये गाउस का नियम है, फ्लक्स के फॉर्मूले से विद्युत फ्लक्स का मान होता है ई डॉट ds पूरे क्षेत्रफल के लिए और ये गाउस के नियम से q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ओके, इसको मैंने लिखा इधर E समाकलन S ds, अच्छा EDS कितना होगा यहाँ पे थीटा का मान जीरो है, ऐसे लिखिए S EDS cos 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 बराबर Q by epsilon naught या E बाहर समाकलन ds for S बराबर Q by epsilon naught, ठीक है, E into आगे देखिए E into समाकलन ds इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा बाहर वाले का गाउसियन पृष्ठ का जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, क्या लिखेंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ये बराबर q q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से विद्युत क्षेत्र आएगा e बराबर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये तो सेम आ गया, ये तो सेम वही आया जो आपने गोलीय कोष या अचालक जो चालक गोले के लिए पढ़ा है, इसका मतलब कि ये जो चालक गोले का आवेश है ये ऐसे बिहेव कर रहा है इस गोले के लिए बिंदु P के लिए कि केंद्र पर आवेश रखा हो, यहाँ पर रखा हो, चलो ठीक है और निकालते हैं इसकी वैल्यू, चूँकि आपको पता है, चूँकि आपको पता है क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए E बराबर ये मैं रो Q की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा रो की फॉर्म में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसके डिवाइड में भाग जा रहा है किसका, इसके डिवाइड में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो E बराबर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और भाई इधर क्या बचेगा रो आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, रो आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, देख लीजिए आपने क्या किया है q की वैल्यू रखी है, q का मान रखने के बाद और ये सॉरी 3 और आएगा इधर ये वाला 3 तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया 1/3 नीचे आ जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र आ रहा है बाहरी बिंदु पे रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में क्या होगा, सदिश रूप में E वेक्टर बराबर रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप या एन कैप जो भी लिखूं, एन कैप परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो कि सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है त्रिज्यीय, ठीक है, एन कैप क्या है त्रिज्यीय बाहर की ओर, त्रिज्यीय बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, ओके बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है जो कि बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में आपकी हेल्प करेगा, समझ आया, इसको हम लिखेंगे ई आउट से, क्या लिखेंगे इसको ई आउट से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, चलो ये ई आउट हो गया है, समझ आया, मिटाते हैं इसको, दूसरा पार्ट कर रहा हूँ मैं इसका, दूसरा पार्ट मैं लेके चलता हूँ, जब बिंदु पी गोले की सतह पर स्थित है, कहाँ पे सतह पर, देखो ये इक्वेशन काम आएंगी बाद में मिटाएंगे, गोले की सतह, जब बिंदु पी गोले की सतह पर है तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर हो जाएगा, ये बिंदु पी यहाँ पे इसको मिटा दो तो गाउसियन पृष्ठ यही बनेगा जो कि गोला है, जो कि आर त्रिज्या का गोला है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो समीकरण से लिखूंगा मैं इधर, अतः ई एस सरफेस पर विद्युत क्षेत्र बराबर होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, या यहाँ पे आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो आएगा रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर से कैपिटल आर कट गया तो ई एट एस इजक्वल्स टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, सदिश रूप में आप इस पे यहाँ पे एन कैप लगा देना
ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई है। ठीक है, तो सरफेस पर विद्युत क्षेत्र का मान आएगा रो एस बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो एस बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जो तीसरा पार्ट बचता है, इसका तीसरा पार्ट क्या बचता है कि जब बिंदु पी गोले के अंदर स्थित है, तो इस अब यहाँ पे चूंकि ये एच अलग गोला है तो अंदर आवेश का मान तो जीरो नहीं होगा, अंदर आवेश का मान जीरो नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी कुछ ना कुछ आएगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, ये दो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। तीसरा पार्ट, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो ये गोला था आपके पास छोड़ो जैसा भी बना, ये मेन गोला था जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R, ओके। इसके अंदर आपने एक गोला लिया R दूरी पर, ये बिंदु P बनाया, ये त्रिज्या तो कैपिटल R है। इस बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो बिंदु P को परिधि पर मानकर आप स्मॉल R त्रिज्या के गोले की रचना करेंगे, उसके अंदर भी कुछ आवेश होगा, लेकिन उसके अंदर जो आवेश होगा वो अंदर आवेश कितना होगा, जितना बाहरी वाले गोले पर है इतना तो नहीं होगा, कम हो गया ना आवेश। देखो ये आवेश बच गया, ये इसमें बीच वाली लाइन में ये जो बीच वाली जो परत छूट गई इसमें भी तो कुछ आवेश बच गया, तो पूरे गोले पे तो आवेश क्यू था, लेकिन अंदर वाले गोले पे आवेश अब कितना होगा, क्यू से अलग होगा, कम होगा, वो क्यू डैश होगा। अगर हमें ये क्यू डैश पता चल जाए कि अंदर वाले गोले पे आवेश कितना है, तो विद्युत क्षेत्र आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हमें ये पता चल जाता है क्यू डैश, तो हम विद्युत क्षेत्र को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम निकालेंगे, हमें रो पता है, आपको पता है ना, चूँकि रो बराबर क्या है, रो बराबर है क्यू इंटू 4/3 πr³, ये है रो की वैल्यू, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, सॉरी है ना, ये आयतन आवेश घनत्व अगर आपको याद रहता है तो बिल्कुल आसान है आवेश निकालना। अब देखो अंदर वाले गोले का आयतन कितना होगा, हैं, स्मॉल r त्रिज्या के गोले में आवेश, स्मॉल r त्रिज्या के गोले में आवेश है क्यू डैश। ठीक है, अब देखो इकाई आयतन पे आवेश का मान कितना होता है, ये इकाई आयतन पे आवेश का मान होता है क्यू इंटू 4/3 πr³। ठीक, इकाई आयतन पे आवेश का मान कितना है, ये रो इंटू, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, इकाई आयतन पे आवेश का मान होता है रो। ठीक है, इकाई आयतन पे आवेश का मान कितना होता है रो, और अंदर वाले गोले का आयतन कितना है, अंदर वाले गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³। तो अंदर वाले गोले पे आयतन 4/3 πr³, इतने आयतन में आवेश का मान ये होगा। ठीक है, इकाई आयतन पे आवेश ये, और इस आयतन में आवेश का मान होगा ये, जो कि अंदर वाले गोले पे है, इसलिए किसकी वैल्यू आ गई है, क्यू डैश की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू प्राप्त हो गई, क्यू डैश की वैल्यू होने के बाद अब आप इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि फाई अतः विद्युत फ्लक्स, अतः विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट डी एस समाकलन एस बराबर सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है समीकरण आपका गाउस नियम और फ्लक्स के फॉर्मूले से। ठीक है, ई ये आपको कैलकुलेट करना है, समाकलन एस डी एस बराबर सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गोले पे आपने
ये अल्पांश मान लिया, इस अल्पांश का क्षेत्रफल है ds, तो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा और विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, तो थीटा कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे EDS, आप इसको क्या लिख सकते हैं इधर, इधर लिख सकते हैं इसको EDS cos 0 degree, समाकलन S बराबर सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू का मान क्या है क्यू डैश, अंदर वाले गोले पे आवेश का मान कितना है क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब आप E को बाहर रखिए, समाकलन करेंगे ds का, cos 0 की वैल्यू 1 बराबर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ds का समाकलन क्या होगा, ds का समाकलन तो इस गोले का क्षेत्रफल आएगा अंदर वाले गोले का, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r के बराबर। तो ds का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 4π स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर क्यू डैश बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आर, क्यू डैश का मान रखो, क्यू डैश बराबर कितना है भाई, रो गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रखने पर, रखने पर E बराबर ई इन, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं अब, ई इन, ई इन बराबर क्यू डैश का मान रखिए इधर, रो इंटू 4/3 पाई पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4π से 4π कट गया, ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचना चाहिए ई इन बराबर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आएगी। ओके, आप इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में ई इन वेक्टर बराबर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप, और लगा देंगे यहाँ पे बस 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप, एन कैप क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो कि सतह के लंबवत बाहर की ओर या त्रिज्यीय होती है, जो कि क्या होगी, त्रिज्यीय होती है। तो इस तरह से ये इधर भी आप सदिश लगा देना, आर आर वेक्टर लगा सकते हो इस पे। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है ना। अब आपको ये निकालना होगा भाई, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस गोले के केंद्र पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसी समीकरण में आप जब बिंदु P को केंद्र पर ले आओगे, जब बिंदु P केंद्र पर आ जाएगा तो बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी बचेगी, 0। बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी बचेगी, 0। देखिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको, यदि यदि बिंदु P गोले के केंद्र पर है, गोले के केंद्र पर स्थित है, तो यदि बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित है तो स्मॉल r का मान 0, स्मॉल r बराबर 0 होने पर, यहाँ पे आप r का मान 0 रखिए, तो E एट केंद्र, E केंद्र बराबर आएगा रो इंटू 0 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0, अर्थात ई केंद्र, केंद्र पर यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0, लेकिन अंदर 0 नहीं होगा, केंद्र पर 0, जैसे 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 बाहर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सतह पर जाके अधिकतम हो जाएगा, और सतह से बाहर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। देखिए आपके पास जो जो नतीजे आए हैं तीनों केसेस के लिए, उन सारे नतीजों को मैं एक साथ लिख के इसका ग्राफ डेराइव करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 आ गया है ना, इसको नोट कर लीजिए एक बार, नोट हो गया। चलो देखिए, ई व आर के मध्य ग्राफ,
ठीक है, ई व आर के मध्य ग्राफ, ये आर है, ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रहेगा, मात्रक क्या है इसका, न्यूटन बटे कूलाम, आर को आप किस में मानेंगे, मीटर में, ठीक है। यहाँ पे गोला रखा है, ठीक है, ऐसे ये मान लिया आपने, ये केंद्र ओ है और इस पे गोला रखा है। केंद्र पे तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया, जीरो, ठीक है, केंद्र पे विद्युत क्षेत्र का मान जीरो, और r लेस देन r, गोले के अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र का मान आया है रो r बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था, रो r बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है e इन की वैल्यू, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान आया है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। ये तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि e इन का जो मान है, e इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये देखो ये आ रहा, ये ई रहा, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। फिर आपने निकाला ई एस, ई एस, एस मतलब सतह, देखिए कॉपी में क्या लिखा है, ई एस सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान आया रो आर कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था, रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ही आया, और बाहर विद्युत क्षेत्र का मान, बाहर विद्युत क्षेत्र का मान आपका आया था रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ये मान आपने निकाले हैं। और ई इन, ई केंद्र, और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना था, जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के समानुपाती, जैसे जैसे अंदर आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना हो गया, ओके। ये गोला थोड़ा ऐसे बनाओ, तो विद्युत क्षेत्र का मान सतह पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान मान लो यही आया, ये समानुपाती रूप से बढ़ेगा ऐसे, ई इन प्रोपोर्शनल टू आर, ई इन प्रोपोर्शनल टू आर, और सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान ये आ गया, मान लो ई एस के बराबर, कितना, ई एस के बराबर, ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये बिंदु को छा नहीं रहा, नहीं तो ये इस तरह से आएगा, ऐसे 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 करके सर्किल अलग बनेगा, चलो छोड़ो, ठीक है, तो यही सतह है इसकी, ये है आर इक्वल्स टू आर, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान इसके समानुपाती रहेगा, आप इसको इस तरह से बना लीजिए कि भाई गोला बनाने की जरूरत नहीं है, ये ओ हो गया, ई इन, ई इन का मान केंद्र पर जीरो, जैसे जैसे ई इन प्रोपोर्शनल टू आर है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और जब आर का मान, जब आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो सतह पे पहुंच गए, और सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान है यहाँ पे, यहाँ पे ई एस, ई एस बराबर है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा ये वाला मान, उसके बाद जैसे आप बाहर जाएंगे तो रो, देखो रो ई आउट प्रोपोर्शनल टू है 1 बटे आर स्क्वायर, ये आपका घटने लगेगा विद्युत क्षेत्र इस तरह से, ई आउट प्रोपोर्शनलिटी 1 बटे आर स्क्वायर, तो इस तरह का ग्राफ आएगा बच्चों, ये ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये है ई एस जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ बना रखी है इसके सामने, ओके, ग्राफ समझ आ गया आपको, ठीक है, गोला बनाने से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो इस तरह से आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए ये आपके दो टॉपिक हो गए हैं, मैं एक न्यूमेरिकल और करके बता देता हूँ इस पे आज, तो इसको नोट करिए, तब तक मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, नोट हो गया होगा, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल बुक में देखना आप, क्वेश्चन है 2.15 एग्जाम्पल उदाहरण एनसीईआरटी में 2.15 है, और उसमें क्वेश्चन इस तरह से है कि 10 सेंटीमीटर व्यास,
10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना हो जाए। ये इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, इसको आप ES मान सकते हो, और गोले का व्यास है 10 सेमी। ठीक है, अब कहता है कि केंद्र से, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई आवेश, इतना आवेश रख दिया जाए तो इस पे विद्युत बल ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है इस पे? गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर इस आवेश पे बल का मान निकालना है F। आपको पता है F बराबर क्या होता है? QE होता है, F बराबर QE। ठीक है, हमें आवेश तो ये दे दिया, हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गोले के बाहर 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो उसके लिए क्या करें? ये वैसा फॉर्मूला अपने पास, KQ बाय r स्क्वायर। आप कहोगे कि हम सीधा सा फॉर्मूला लगा लेंगे, KQ बाय r स्क्वायर। K का मान हमें पता है, r का मान 25 सेमी है, Q का मान ये दे रखा। अरे ये वो Q का मान नहीं है, ये तो वो Q का मान है जिस पे बल ज्ञात करना है। ये वाला Q तो कौन सा Q होगा? जो गोले के आवेश के लिए Q लिखा गया है। गोले पे जो आवेश है ना, गोले पे वो आवेश है ये Q। ठीक है, ये वाला Q, ये स्मॉल Q नहीं है, अलग है। तो गोले पर तो आवेश दे ही नहीं रखा, हमें गोले पे आवेश फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको सतह पर विद्युत क्षेत्र दिया गया है जो कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, सतह पर विद्युत क्षेत्र ES आपको दिया गया है। गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आया था भाई? गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया था 1/4πε0Q/r2। इसको कैपिटल Q मान लो। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, माना गोले की सतह पर आवेश, गोले की सतह पर आवेश कैपिटल Q है। ठीक है, गोले की सतह पर आवेश कैपिटल Q है, तो गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र बाहर है, r ग्रेटर देन है कैपिटल R। देखो गोले की त्रिज्या तो कितनी है? 5 सेमी। इस तरह से गोला बनेगा जिसकी त्रिज्या है 5 सेमी और 25 सेंटीमीटर दूरी कोई बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये बिंदु तो कहाँ पे आएगा? गोले के बाहर ही होगा ना। ये बिंदु भी जिस पे यहाँ पर आवेश रखा हुआ है 5×10^-2, इस पर हमें बल निकालना है। इस गोले का आवेश, यहाँ पे जो आवेश है वो हमें नहीं दे रखा, तो हमने उसको अपनी तरफ से क्या मान लिया? कैपिटल क्यू मान लिया। ठीक है भाई, हमने उसको क्या मान लिया? कैपिटल क्यू। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र तो ये होगा, आर त्रिज्या पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? ई आउट बराबर क्या पढ़ा आपने? 1/4πε0Q/Q इसको आप कैपिटल आर ले लो यहाँ पे, Q/r2। सतह पर तो आर का मान कैपिटल आर होता है और बाहर इसका स्मॉल आर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 देखो, समझ में आया कि नहीं? सतह पर यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तो दूरी कैपिटल R पे निर्भर करेगा, तो r2 आएगा, और बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दूरी स्मॉल r पे निर्भर करेगा, तो स्मॉल r लिखा जाता है। समीकरण 1 में 2 का भाग दो, समीकरण 1/2 से ES/Eout बराबर 1/4π से 1/4π कट जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे, देखो ये कट गया, Q से Q कट गया, 1/r2/r2, तो r2 ऊपर कैपिटल r2 नीचे। ठीक है बच्चों, भाग दे के देख लेना, ES/Eout की वैल्यू आएगी स्मॉल r2/R2, ES/Eout की। आपको यहाँ से Eout निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा Eout×r2 बराबर ES×r2, या Eout बराबर ये r2 इसके भाग में लिखा जाएगा। तो Eout बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान ये आया ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो Eout बराबर ES का मान आपको गिवन है, अब
5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू कैपिटल आर, कैपिटल आर ये है भाई, यहाँ से कैपिटल आर आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बटे, अच्छा इसका स्क्वायर है, बटे स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना है 25 सेमी, इसको आप लिखेंगे 25 गुना 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो थोड़ा सरल करेंगे, कैलकुलेशन है, ये आएगा 5 गुना 10 की पावर 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 10 की पावर माइनस 2 का वर्ग 10 की पावर माइनस 4, इधर 25 गुना 25, 5 25 का वर्ग करेंगे तो, और 10 की पावर माइनस 4 ये कट गया माइनस 4 से, 25 से 25 कट गया, 5 से 25 कट गया 5 बार, तो ई आउट आया 1/5 गुना 10 की पावर 5, ये लिख लीजिए आप, ठीक है भाई, 1/5 यानी कि 0.2, 1/5 का भाग देंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 का एक डेसिमल हटा दो, 2 × 10^4, 2 × 10^4 वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स, दिख रहे, ये आउट, ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र जो कि यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे ये आवेश रखा है, इस आवेश पे बल निकालना है F बराबर, ठीक है, तो हम लिखेंगे Q आवेश पर बल, Q आवेश पर बल F बराबर QE, F बराबर QE आउट, तो F बराबर Q का मान, Q का मान 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 माइक्रो कूलम है, तो माइनस 6 और आ जाएगा, 5 गुना 10 की पावर माइनस 2 माइक्रो कूलम, तो माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आवेश के मान से, 2 × 10^4 आया है विद्युत क्षेत्र का मान, सॉरी, ठीक है, तो गुणा करो 5 दूनी 10, 10 हो गया, और 10 की पावर देखो 6 और 2 8 माइनस के 4 प्लस के, तो 10 की पावर माइनस 4 या 1 × 10^-3, 1 × 10 कट गया, तो भाई ये इतना न्यूटन का बल आ रहा है, कितना आ रहा है 1 × 10^-3 न्यूटन या 10^-3 न्यूटन, सारा दिख रहा है बोर्ड पे, चलिए बहुत अच्छे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, थैंक यू।